नमस्कार, मैं सीमा पाल, टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। अब मैं आपको शर्ट पर प्रेस करना बता रही हूँ। शर्ट पर प्रेस करने के लिए आप कॉलर में पीछे की साइड में सबसे पहले प्रेस करोगे, इसके बाद आगे की साइड में प्रेस करना है। कॉलर के ठीक नीचे चौड़ाई में एक पट्टी लगी हुई होती है, इस पर हमें प्रेस करनी है। इसके बाद हमें बाजू पर प्रेस करनी है। बाजू पर दोनों साइड में हमें प्रेस करनी है। इसके बाद दूसरी बाजू पर प्रेस करनी है। फिर दूसरी साइड में भी ऐसे ही प्रेस करनी है। बाजू को प्रेस करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो इसकी स्टिच होती है या तो ये किनारे पे होती है या फिर बीच में आती है, इसको पकड़ के हमें बाजू को सेट करनी है प्रेस के लिए। इसके बाद हम शर्ट के बटन लगा लेंगे। अगर हो सके तो एक ऊपर का बटन लगा लीजिए, एक बीच का बटन लगा लीजिए और एक सबसे नीचे का बटन लगा लीजिए। फिर आप एक किनारे से अच्छे से फैलाते हुए पूरी शर्ट को अच्छे से फैला लेंगे और एक किनारे से प्रेस करनी शुरू कर देंगे। जब इस साइड में भी अच्छे से प्रेस हो जाए, फिर आप दूसरी साइड में जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पॉकेट है, तो यहाँ पर हमें प्रेस को उठा के ही रखना चाहिए, नहीं तो इसकी पूरी सेटिंग खराब हो जाती है। बटन के बीच में भी हम अच्छे से प्रेस को घुमा लेंगे। इसके बाद हमें शर्ट में बैक साइड में इसी प्रकार से प्रेस करनी है जिस प्रकार से हमने आगे की साइड में इस पर प्रेस करी, और अपने हाथों को से स्पर्श करके देख लेना चाहिए कि कहीं से हमारी शर्ट मुड़ी हुई तो नहीं है। इसमें भी एक किनारे से, खासकर लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हुए हम राइट साइड की ओर जाते हैं और अच्छे से प्रेस कर लेने के बाद हमें फिर इसको फोल्ड करना है। जैसे बीच में बटन होते हैं, इन बटन से ही हमें पहचान करना है कि हमें कहाँ तक फोल्ड करना है। सबसे पहले आप एक किनारे से लेफ्ट साइड से पकड़ते हुए, जो कि ऊपर से नीचे तक पकड़ेंगे और बटन पट्टी तक लेके जाए, उसी साइड की बाजू को इस पर अच्छे से रख लेंगे। फिर इसी प्रकार से दूसरी साइड से भी हम बटन पट्टी तक ही इसे होल्ड करेंगे और उस साइड की बाजू को भी हम इस पर अच्छे से फैला लेंगे। फिर इसके बाद हम शर्ट को नीचे से पकड़ते हुए ऊपर तक कॉलर के पास तक जाएंगे। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि हमें इस पर प्रेस करनी है तो एक बार ऊपर की साइड प्रेस कर लीजिए। इस प्रकार हमारे शर्ट पर प्रेस हो जाती है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और इस विषय पर चर्चा समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।